वेलकम टू द माय न्यू वीडियो दोस्तों। तो ये डाइकिन का स्प्लिट एसी है और इसमें देखिए कि वाटर लीकेज हो रहा था रूम के अंदर, ठीक है। तो देख सकते हो किस तरह से ये ड्रेन में पानी भरा हुआ है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है दोस्तों? एक ही रीज़न हो सकता है, ये ड्रेन ब्लॉकेज है, ठीक है। तो मैं इसमें बहुत कुछ बताने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, समझ में आया तब भी समझ में आएगा कि वाटर लीकेज कैसे सॉल्व करना, क्योंकि वाटर लीकेज बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एसीओ में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं नीचे उतर गया, देख सकते हो पूरा एसी खुला हुआ है। और मैं चलो मैं इसका जो ड्रेन है बाहर जो पानी निकलता है वहाँ पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को। और दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो एक सब्सक्राइब ही तो करना है। तो देखिए ड्रेन यहाँ से आ रहा है यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे पानी नहीं गिर रहा जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं मुँह से खींच रहा हूँ उसको, ठीक है। जब पाइप ब्लॉक रहता है हम लोग मुंह से खींच करके उसको पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं खींच रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, देखता हूँ कि निकल रहा है कि नहीं। तो देखें यहाँ पे ये पानी निकलने लगा है, और इसका रीज़न दोस्तों क्या है पता है? ये ना जब ये दीवार, ये मतलब ये जो ड्रेन पाइप है जो जिस तरह से आ रहा है ना, मतलब जिधर जिधर से आ रहा है ना, उधर ना पीछे में ना दोस्तों झुका हुआ था, ठीक है। मतलब पानी का लेवल सही से आने का पाइप का नहीं था, ठीक है। पाइप का जो लेवल आने का था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसकी वजह से पानी जो पीछे ही रुक जा रहा था और पानी नहीं आ रहा था। एसी का जो सामने फ्रंट से ना वहाँ से कोई दिक्कत नहीं था, है ना। ये अंडर मतलब होता है ना अंडरग्राउंडेड ड्रेनेज होता है, पर ये अंडरग्राउंडेड नहीं था, ये बाहर से निकला हुआ। यहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पाइप दिख रहा है ना, इसके ऊपर से गया होता, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से इसका सनसेट देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे इसका आउटडोर है, दिखा देता हूँ, ये रहा इसका आउटडोर। तो ये आउटडोर है, इसमें 32 गैस है और डाइकिन में ज़्यादातर 32 से होता है। तो ये पानी निकल रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख भी सकते हो। और इसका रीज़न क्या था मालूम है, आप सभी को बताता हूँ अभी। तो देखिए यहाँ पर ये ड्रेन है ना, यहाँ पे पानी मतलब भरा हुआ था, ठीक है, अभी भी भरा हुआ है। तो देखिए दोस्तों इस दीवार का जो पीछे जा रहा है ना, यहाँ से जो पीछे, ठीक है, पीछे में ना पाइप ना उल्टा सीधा लटक गया था, ठीक है, जिसकी वजह से पानी प्रॉपर बाहर नहीं जा रहा था दीवार के पीछे, ठीक है। अगर ये लेवल बेकार होना तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कुछ डाल सकते हो इसके नीचे में। अगर एसी का लेवल सही नहीं होता है तब भी वाटर लीकेज होने लगता है, ठीक है। तो देखें पूरा ड्रेन खाली हो चुका है। और दोस्तों देखिए यहाँ से आप चाहे तो नीचे से भी उठा ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से मैं हटा रखा है, पर ये यहाँ से एसी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मैं बताया जो ड्रेन का पाइप जो पीछे गया हुआ है दीवार के पीछे, वहाँ से दोस्तों पाइप जो ऊपर नीचे हो गया था ना, उसकी वजह से ना वहाँ पर वाटर लेवल बिगड़ गया और पानी लीकेज होने लगा। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और देखें दोस्तों ये सब कुछ हो गया, पानी डाल कर मग में हम चेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंडेड नहीं था दोस्तों, इसके पीछे ना एक मतलब जगह खाली है, वहाँ पे ना ऊपर नीचे हो गया था जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा था। इसके लिए कई सारे टेक्नीशियन आया और वो नहीं कर पाया, पर मैं ध्यान दिया कि असल दीवार के पीछे कैसे जा रहा था। तो मैं एक साइड से देखा ना खिड़की में आए तो दिख गया था कि वहाँ पर पाइप सही लेवल पर नहीं था, इसकी वजह से यहाँ पर वाटर लीकेज होने लगा था। तो अब देखें यहाँ पर कि बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी जा रहा है यहाँ पर। देख सकते हो पानी सही से जा रहा है यहाँ पे, मतलब पानी यहाँ पे नहीं रुक रहा है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पानी बाहर निकल गया, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए, टेक केयर एंड बाय बाय।